शौचालय के गंदे पानी की सड़क पर बहने से ग्रामीणों ने एसडीओ से लगाई गुहार। मामला कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 अंतर्गत छिट्टाबाड़ी आनंदपुरी के एनजीओ दत्तक केंद्र के शौचालय का गंदा पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है, जिस कारण स्थायी लोगों को रास्ता चलने में भारी परेशानियों के साथ साथ इस गंदगी के बीच गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंध में संजय कुमार तांती ने बताया कि दत्तक गृह संस्था जो है उसमें टंकी का पानी, नाला का पानी सरेआम रोड पे बहाते हैं, इससे हम लोग को बहुत ही कठिनाई है। इसी के लेकर संदर्भ में एसडीओ साहब को आवेदन देने आए हैं। ये समस्या किस जगह पर है? वार्ड नंबर 3 छिटावाड़ी मोहल्ला में। एसडीओ साहब के यहाँ जो समस्या लेके आए हैं वो आज की समस्या नहीं, विगत 2 वर्षों से समस्या है, पूरे समाज की समस्या है। गंदगी फैला के रखा गया है बाल दत्तक गृह केंद्र के द्वारा। आदमी अपने घरों की पानी के निकासी के लिए सोखता का इंतजाम करता है, इस तरह का कोई व्यवस्था अनाथ आश्रम में नहीं है। बाथरूम का पानी, किचन का पानी, नहाने का पानी, मतलब जितना गंदगी है सारा का सारा गंदगी रोड पर ही बह रहा है, जिससे महामारी की आशंका फैली हुई है। ना ही मकान मालिक इस संदर्भ में कोई सुधि ले रहा है, उसको भी कितने बार फ़ोन किया गया वह कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार ही नहीं है। और अनाथ आश्रम के संचालक, उनको तो यहाँ के वो निवासी हैं ही नहीं, उनको इस वार्ड से, इस वार्ड की जनता की परेशानी से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। वो आते हैं टाइम पर और उसके बाद अपना जो कार्य है करके वो चले जाते हैं।